Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. पुरानी रंजिश के चलते 13 वर्षीय भतीजे पर चढ़ाया घोड़ा तांगा। दरअसल मेरठ के मवाना की युवती का आरोप है कि उसके पति के बड़े भाई ने महिला के 13 साल के बेटे के ऊपर घोड़ा तांगा चढ़ा दिया, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डियां टूट गई हैं और डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने से मना कर दिया, तो उसको दिल्ली ले जाया गया। उसके बाद दिल्ली से इलाज कराकर लौटने के बाद युवती किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी, तभी अचानक उसकी जेठानी घर में आई और बच्चे के मुंह पर तकिया रख उसको मारने का प्रयास किया, जिसकी वीडियो महिला की बेटी ने बना ली। आज पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। देखिए। बड़ी अम्मी, मेरे भाई को मत मारो। अम्मी, अम्मी, अम्मी देखिए अगदस को बड़ी अम्मी मार रही। अम्मी, बड़ी अम्मी अगदस को मत मारो, बड़ी अम्मी मेरा भाई मर जाएगा। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा जेठ रईस और बिल्कीस से बंटवारे के लेकर कुछ वैसे ही रंजिश चलती थी, तो वो मुझे बहुत मार पीट करते थे। रईस जेठ जो है मेरे बच्चों को भी, मैं वहाँ से तंग आकर फिर मैं इधर आ गई थी दूसरे मकान में। अब उधर रहते रहते मेरे एक 13 साल का बच्चा घेर में जाके खड़ा ही था, पीछे से जाके बुग्गी घोड़ा चढ़ा दिया उस पर। उसकी इस कारण 3 जगह से रीढ़ की हड्डी टूटी और एक साइड कंधा पसली कुल्ला सब टूट गया। रईस मेरे जेठ ने घोड़ा बुग्गी चढ़ा दिया। अब उसको लेकर पहले प्राइम के पहुँचे, उन्होंने ला इलाज करा, फिर अजयवीर के पहुँचे, उन्होंने ला इलाज करा, फिर अनिल खन्ना के पहुँचे आईसीयू में, उन्होंने ला इलाज करा, फिर उन्होंने लिखा मेरठ के लिए होप ने भी मना कर दिया। फिर पहुँचे हड्डी वालों, दिखाया आपने क्या है वो, कौन है वो औरत, क्या कर रहा है। फिर इसी बीच में मैं दिल्ली इलाज चल रहा हूँ उसका, इसी इलाज के बीच में मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए किस्त निकलवाने गई थी ग्राम नगर। वहाँ पर जाने के बाद उसे पता लगा जेठानी को कि कोई है नहीं, आई घर में मेरी छोटी बेटी थी, वहाँ आकर कहने लगी तेरी अम्मी कहाँ, इनको मेरी अम्मी नहीं है, बड़ी अम्मी यहाँ। एकदम से जाके बोली तू मर ना गया, तुझे मौत ना आ गई, तेरी माँ मेरे ऊपर कंप्लेंट करती फिर रही, मेरे पति को फंसवाती फिर रही। उठा के कोशिश करी तकिए से मुँह दबाने की, मेरी बच्ची ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया अंदर कमरे में ही। थोड़ी सी वीडियो बना ली उनकी कि मैं अपनी अम्मी को दिखा दूंगी, एकदम वो चली गई। मेरा 13 साल का बच्चा है वो जो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता, बेकार पड़ा बिल्कुल, पेशाब की थैली पड़ी हुई, गले का ऑपरेशन, पीछे की मारने की कोशिश करी उसे। थाने पुलिस में क्या करा? मैं मवाना थाने में मैंने रिपोर्ट लगाई, कई बार लगाई, वहाँ किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। बार बार कह देते थे कोई बात नहीं, देख लेंगे। फिर उसके बाद में मुकदमा कायम हो गया, मेरा कप्तान सर ने 10 तारीख को मुकदमा कायम करा, उसके बावजूद भी मुझे उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही। धारा 360 की है, उसमें भी मवाना थाना पुलिस टॉर्चर कर रही है, कभी मेरे बच्चों को कहती है कि क्या हुआ कैसे हुआ, आओ तुम बताना कहना, कभी मुझे कहती हैं, कभी मेरे बच्चों को बोलती हैं,